प्रेज द लॉर्ड। मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान आप सबका इस कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। ये कार्यक्रम bible.is के सौजन्य से हमारे पास लाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम लूका रचित सुसमाचार को वीडियो क्लिप्स के जरिए देखकर गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसे समझाने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार कर्नल नवनीत चावड़ा जी है। कर्नल जी आपका स्वागत है। मेरे भाई और बहनों, हम देख रहे हैं कि किस तरह से यीशु मसीह की अगुवाई में उसके शिष्य भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार और काम अच्छे काम कर रहे थे। उसके द्वारा हमने देखा कि किस तरह से हम सीख सकते हैं और यीशु मसीह किस तरह से हमारी सब ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम अनंत काल जीवन पाए यही उसकी इच्छा है। यीशु मसीह ने और एक बड़ा चमत्कार किया और उसके द्वारा और एक बड़ी सीख दी। चलिए आज के वीडियो क्लिप में देखेंगे यीशु मसीह क्या कर रहा है। आवाज का कहना समाप्त होने पर उन्होंने देखा कि मसीह यीशु अकेले हैं। जो कुछ उन्होंने देखा था उन्होंने उस समय उसका वर्णन किसी से भी न किया। वे इस विषय में मौन बने रहे। अगले दिन जब वे पर्वत से नीचे आए एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा थी। भीड़ में से एक व्यक्ति ने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, गुरुवर आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दें, क्योंकि वो मेरी इकलौती संतान है। एक प्रेत अक्सर उस पर प्रबल हो जाता है और वो सहसा चीखने लगता है। प्रेत उसे भूमि पर पटक देता है और मेरे पुत्र को ऐंठन प्रारंभ हो जाती है और उसके मुख से फेन निकलने लगता है। ये प्रेत कदाचित ही उसे छोड़कर जाता है, वो उसे नाश करने पर उतारू है। मैंने आपके शिष्यों से विनती की थी कि वे उसे मेरे पुत्र में से निकाल दें, किंतु वे असफल रहे। अरे ओ अविश्वासी और बिगड़ी हुई पीढ़ी, मसीह यीशु ने कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक धीरज रखूंगा? यहाँ लाओ अपने पुत्र को। जब वो बालक पास आ ही रहा था प्रेत ने उसे भूमि पर पटक दिया, जिससे उसके शरीर में ऐंठन प्रारंभ हो गई। किंतु मसीह यीशु ने प्रेत को डांटा, बालक को स्वस्थ किया और उसे उसके पिता को सौंप दिया। परमेश्वर का प्रताप देख सभी चकित रह गए। जब सब लोग इस घटना पर अचंभित हो रहे थे मसीह यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनो और याद रखो। मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाने पर है। किंतु शिष्य इस बात का मतलब समझ न पाए। इस बात का मतलब उनसे छुपा कर रखा गया था। यही कारण था कि वे इसका मतलब समझ न पाए और उन्हें इसके विषय में मसीह यीशु से पूछने का साहस भी न हुआ। शिष्यों में इस विषय को लेकर विवाद छिड़ गया कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। ये जानते हुए कि शिष्य अपने मन में क्या सोच रहे हैं, मसीह यीशु ने एक छोटे बालक को अपने पास खड़ा करके कहा, जो कोई मेरे नाम में इस छोटे बालक को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, तथा जो कोई मुझे ग्रहण करता है उन्हें ग्रहण करता है जिन्होंने मुझे भेजा है। वो जो तुम्हारे मध्य छोटा है वही है जो श्रेष्ठ है। योहन ने उन्हें सूचना दी, प्रभु हमने एक व्यक्ति को आपके नाम में प्रेत निकालते हुए देखा है। हमने उसे ऐसा करने से रोकने का प्रयत्न किया क्योंकि वो हम में से नहीं है। मत रोको उसे, मसीह यीशु ने कहा, क्योंकि जो तुम्हारा विरोधी नहीं वो तुम्हारे पक्ष में है। नवनीत जी, यहाँ पे यीशु मसीह ने दुष्टात्मा से पीड़ित इस बच्चे को छुटकारा दिया, लेकिन छुटकारा दिया उतना ही नहीं, वहाँ पे उसके पिता के साथ उसका एक कॉन्वर्सेशन भी हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में आप हमें क्या बता सकेंगे? बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इस कॉन्वर्सेशन जो बातचीत हुई प्रभु यीशु और उनके उस बच्चे के पिता के बीच में, मरकुस के गॉस्पल में भी उसका डिटेल में विवरण दिया हुआ है और वही का वही चमत्कार हम ल्यूका के अंदर भी पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि पिता जो है वो प्रभु यीशु के पास कंप्लेन कर रहा है,
कंप्लेन क्या कर रहा है कि भाई आपके चेले जो हैं ये मेरे बेटे को छुटकारा नहीं दे पा रहे तो कितने चेले थे वहाँ? 9 जी। 3 तो प्रभु के साथ ऊपर गए हुए ऊपर गए हुए थे। वहाँ से नीचे आए तो 9 चेले जो थे उन्होंने अपनी कोशिश की दुष्ट आत्मा निकालने की, लेकिन वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। प्रभु यीशु ने पिता के साथ पूरी बातचीत की कि पूछा ये कब से चल रहा है ये? उसने बोला जब से ये छोटा था तब से ये चल रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं, अगर हम मरकुस के अध्याय में देखें तो उसके अंदर पिता जो है वो प्रभु यीशु से पूछ रहा है कि अगर आप कर सकते हो जी तो मेरे बेटे को चंगाई दे दो। तो प्रभु यीशु को इस सेंटेंस के ऊपर ही बड़ा वो जवाब देते हैं, क्या मतलब अगर मैं कर सकता हूँ जी? लुक एट दी कॉन्वर्जेशन, जो बातचीत हो रही है कि आप अगर आज की तारीख में मान लीजिए आप प्रभु यीशु आपके सामने हैं और आप प्रभु यीशु को बोल रहे हो भाई अगर आप कर सकते हो तो ये कर दो, तो प्रभु यीशु आपसे यही बोलेंगे यार मतलब क्या हुआ मैं कर सकता हूँ जब मैंने ही पूरी सृष्टि की रचना की, मैंने ही तुम्हारी रचना की, मैंने हर चीज़ को बनाया, मुझे मालूम है हर चीज़ को किस प्रकार से अपने वचन द्वारा बात द्वारा ठीक करना है, चाहे वो तूफान है, चाहे वो शारीरिक बीमारी है, चाहे वो दुष्ट आत्माएं हैं जो सता रही हैं, चाहे वो ऐसी परिस्थिति है जो असंभव दिखती है, जब हर चीज़ के अंदर मैं परमेश्वर हूँ तो फिर ये सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि अगर मैं कर सकता हूँ? तो प्रभु यीशु ने पहले तो पिता को सीधा लिया कि इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कर सकता हूँ, और फिर प्रभु यीशु ने बोला कि अगर तुम्हें विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं है असंभव नहीं है। तो प्रभु यीशु ने बोला अगर तुम्हें विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं है। और उस समय जब प्रभु यीशु ने बोला कि अगर विश्वास है कुछ भी असंभव नहीं है, तो अगर आप मरकुस के अध्याय में पढ़ें तो वहाँ पे वो पिता बोलता है कि हेल्प मी विद माई अनबिलीफ, कि मेरे अविश्वास के साथ मेरी मदद करो। सी वो बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन है। हम कई बार परमेश्वर के सामने अच्छे से कपड़े पहन के चले जाते हैं लेकिन अपनी असलियत जो है परमेश्वर से छुपा के रखते हैं, और हम सोचते हैं शायद परमेश्वर को पता नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर तो हमें नग्न देखता है, हमें नंगेपन में देखता है। और उस पिता ने साफ बोला कि मेरी मदद करो विश्वास लाने के लिए। आप विश्वास के बारे में बोल रहे हैं, मैं तो अपने बच्चे को इतने सालों से तकलीफ में देख रहा हूँ, कैसे उस विश्वास को मैं अपने अंदर ला सकता हूँ? सी नाउ यू रियलाइज के इस तरीके से प्रभु यीशु ने वहाँ पर बोला, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उस बेटे को चंगाई दी। और उसके बाद में चेलों ने पूछा, आपस में बात किया, यार कि इसने तो कर दिया लेकिन हमसे नहीं हुआ। और प्रभु यीशु ने ये बोला कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अधिक प्रार्थना द्वारा होती हैं। तो कुछ चीज़ें इसी अद्भुत कार्य में सीखने के लिए कि पिता और प्रभु यीशु का वार्तालाप, पिता का अविश्वास लेकिन प्रभु यीशु की फिर भी विश्वास योग्यता। आमेन। इट इज नॉट अबाउट माय फेथ, इट इज अबाउट हिज फेथफुलनेस। आमेन। अगर हम ये चीज समझ पाए प्रभु यीशु के चरित्र के बारे में तो हम अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे लेकिन उसकी विश्वास योग्यता पर विश्वास करेंगे कि प्रभु मुझे मत देख लेकिन मैं तेरी विश्वास योग्यता को देखता हूँ। यानी कि अपने खुद के काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। नवनीत जी, ये होने के बाद यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में बात करने लगा, तो वहां पे ऐसा क्यों? एक आत्मिक रेलम है, एक फिजिकल रेलम है। फिजिकल रेलम में जब चेले ये सब देख रहे थे तो उनके मन में क्या विचार आ रहे थे? उनके मन में विचार, यार ये तो किंग मटेरियल है, ये तो राजा का मटेरियल लगता है जी। अभी तूफान भी हटा दिया, लोगों को खाना भी दे दिया, चंगाई भी दे दी, दुष्ट आत्माएं भी निकाल दी, तो अभी तो लगता है ये सरकार जब बदलेगी ना तो ये इलेक्ट हो जाएगा, ये अपना तो लीडर टाइप मटेरियल है ये। तो लोगों के मन में फिजिकल रेलम की चीजें आने लगी आ रही थी। आमेन। और प्रभु यीशु ये जानते थे कि लोग ऐसा
सोच रहे हैं, इसके चेले ऐसा सोचेंगे, लोग ऐसा सोचेंगे, और इसीलिए दूसरी बार वो अपनी मृत्यु का विवरण करते हैं, अपनी डिविनिटी को बताते हैं और पूछते हैं कि मैं यहाँ संसारिक राज्य स्थापित करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ परमेश्वर का राज्य स्थापित करने आया हूँ, और उस राज्य को स्थापित करने के लिए मुझे क्रूस को अपनाना है और मेरे को मृत्यु दंड को लेना है। सो ही इज ट्राइंग टू ब्रेक, जो लोगों के मन के अंदर इतने अद्भुत कार्य देखने के बाद में फिजिकल रेलम की चीजें आ रही हैं, वो बीच बीच में अपना इंजेक्शन दे के बता रहे हैं कि भाई ध्यान रखो, मैं इसलिए नहीं आया, मैं इसलिए आया हूँ। यानी कि उनकी दृष्टि को सही तरफ लेके जा रहे हैं, सही तरफ लेके जा रहे हैं, और अपनी डिविनिटी को, अपने अपने परमेश्वर के पुत्र होने की बात को भी वो लोगों को बताना चाहते हैं। ये सब सीख के बाद उसके शिष्यों के मन में एक विचार आ रहा था और वो डिस्कस कर रहे थे कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो वहाँ पे यीशु ने एक बालक के बारे में भी कहा, तो इसके बारे में आप हमें कुछ समझाए। सी, मैंने बोला कि लोगों के मन में वही विचार आ रहे थे फिजिकल रियलम, बिकॉज चेले तो इतने करीब से देख रहे थे प्रभु यीशु को कि उन्होंने अद्भुत कार्य किए, चंगाई दी लोगों को, तूफान थामा, मतलब इतना वो देख रहे थे, तो उनके मन में था आपस में बात करके, यार अभी तो अगले तो ये तो पक्का कोई पॉलिटिकल लीडर बन जाएंगे, प्रभु यीशु अगर बनते हैं पॉलिटिकल लीडर तो क्या पोजीशन मिल सकती है, और आपस में बात कर रहे थे कि अच्छा ये 12 में से ये कौन सा पद लेगा और ये कौन सा पद लेगा और मैं कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे जाऊँगा, और वो प्रभु यीशु से ये पूछना चाहते हैं। और उस समय प्रभु यीशु जो है एक बच्चे के हृदय को दर्शाते हैं। सी, बच्चे के हृदय में छलकपट नहीं है, उसके मन में लालच नहीं है, उसके अंदर धर्म का भेदभाव नहीं है, उसके अंदर केवल सच्चा प्रेम है और विश्वास है अपने माता पिता के ऊपर। अगर आप एक छोटे से बच्चे को लो और उसके पिता उसको कुछ समझाएंगे, वो सुनेगा। जी, ये जब आदमी बड़ा होता है तब वो हर चीज़ में सवाल पूछना शुरू करता है। प्रभु यीशु बोलते हैं कि बच्चे जैसा विश्वास रखो, आमेन, कि विश्वास है कि पिता ने बोला, उसने उस बात को सुना और उस पर विश्वास किया, और ये है जो एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर जो है उससे आप श्रेष्ठ होवोगे। आमेन। आपकी आपका प्राथमिकता आना आपके कर्म या आपके कार्य या आपकी काबिलियत द्वारा नहीं है जी, लेकिन एक बच्चे के जैसे, बच्चे के जैसे माफी हृदय होना, उसके अनुसार आपके आपका श्रेष्ठ होना बनता है। तो ये बोला प्रभु। मैं ये पढ़ना चाहूंगा 48 वचन में जो लिखा है, जो कोई मेरे नाम में इस छोटे बालक को ग्रहण करता है, मुझे ग्रहण करता है, तथा जो मुझे ग्रहण करता है वो उन्हें ग्रहण करता है जिन्होंने मुझे भेजा है, और वह जो तुम्हारे मध्य छोटा है वही है जो श्रेष्ठ है। Amen. तो ये एक बहुत ही बड़ी बात यीशु मसीह ने कही कि अगर आपको बड़ा बनना है तो पहले अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसे ही हम उस बालक का ग्रहण करते हैं, हम उसका ग्रहण करते हैं जिसने उसे भेजा है। तो मेरे भाई और बहनों की यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हम खुद को हम्बल करते हैं, हम खुद को छोटा बनाते हैं, परमेश्वर हमें ऊपर उठाएगा। तो आइए देखते हैं आगे यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहा है और हम हमारे जीवन को किस तरह से एक सही लाइन में ला सके। जब मसीह यीशु के स्वर्ग में उठा लिए जाने का निर्धारित समय पास आया, विचार दृढ़ करके मसीह यीशु ने अपने पांव यरूशलेम नगर की ओर बढ़ा दिए। उन्होंने अपने आगे संदेशवाहक भेज दिए। वे शोमरोन प्रदेश के एक गांव में पहुंचे कि मसीह यीशु के आगमन की तैयारी करें, किंतु वहां के निवासियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि मसीह यीशु यरूशलेम नगर की ओर जा रहे थे। जब उनके दो शिष्यों याकूब और योहन ने यह देखा तो उन्होंने मसीह यीशु से प्रश्न किया, प्रभु यदि आप आज्ञा दें तो हम प्रार्थना करें कि आकाश से इन्हें नाश करने के लिए आग की बारिश हो जाए। पीछे मुड़कर मसीह यीशु ने उन्हें डांटा, तुम नहीं समझ रहे कि तुम ये किस मतलब से कह रहे हो। मनुष्य का पुत्र इंसानों के विनाश के लिए नहीं परंतु उनके उद्धार के लिए आया है। और वे दूसरे नगर की ओर बढ़ गए। मार्ग में एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उनसे कहा, आप जहां कहीं जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, लोमड़ियों के पास उनकी अपनी मांदे होती हैं
और पक्षियों के पास उनके अपने घोंसले, किंतु मनुष्य के पुत्र के लिए तो सिर रखने तक का स्थान नहीं। एक अन्य व्यक्ति से मसीह यीशु ने कहा, आओ मेरे पीछे हो लो। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु पहले मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार का इंतजाम कर लूं। मसीह यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मृत गाड़ने दो, किंतु तुम जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। एक अन्य व्यक्ति ने मसीह यीशु से कहा, प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, किंतु पहले मैं अपने परिजनों से विदा ले लूं। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हल चलाने को उद्यत हो परंतु उसकी दृष्टि पीछे की ओर लगी हुई हो, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। नवनीत जी, यहाँ पे एक आदमी यीशु मसीह के नाम से कुछ चमत्कार कर रहा था, कोशिश कर रहा था, प्रेतात्माओं को निकाल रहा था, तो यीशु के शिष्यों को कुछ प्रॉब्लम हुआ। वो कंप्लेन करने लगे कि ऐसा क्यों और उसके बारे में क्या करें। तो इस विषय के बारे में आपके क्या विचार हैं? अगर आप इस पूरे पोर्शन जो हमने देखा आप देखें, तो इस सीक्वेंस में देखो जी, तीन चेले पहाड़ पे गए, नौ चेले नीचे थे, पिता और बेटा आया, नौ चेलों ने भरपूर कोशिश की, सफलता हाँ। नहीं मिली, प्रभु यीशु ने सफलता दी, फिर चेलों में बातचीत हो रही है, हम में से श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है, और प्रभु यीशु ने उसको भी स्नप कर दिया और उन्हें हाँ। बताया। और अब एक और व्यक्ति जो चेलों में नहीं है, वो प्रभु यीशु का नाम इस्तेमाल कर रहा है और प्रभु के नाम इस्तेमाल करके अद्भुत कार्य करने की कोशिश कर रहा है, तो इन चेलों में जलन हुई जी, कि यार ये कौन है हमारे 12 के अलावा जो प्रभु यीशु का नाम इस्तेमाल कर रहा है, और ना केवल नाम इस्तेमाल कर रहा है, इसको थोड़ी थोड़ी सफलता भी मिल रही है, और हम नौ मिलके वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन ये कर रहा है यहाँ पे, तो वो प्रभु यीशु को उन्होंने शिकायत की। सी बहुत आवश्यक है पास्टर साहिबान के हम लोग जो हैं, जब हम एक पाप को देखते हैं, हम केवल उन पापों की ओर ध्यान रखते हैं जो पाप बाहर दिखते हैं जी, बट सबसे जरूरी चीज है हमारे हृदय में क्या पनपता है, वो भी बहुत आवश्यक है। यीशु ने भी उसके बारे में कहा था कि यू नो व्हाट इज इन योर हार्ट दैट डिफाइल्स यू, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो चेलों का हृदय अभी उस रूप से बना नहीं है कि वो प्रभु यीशु की सेवकाई में अपने आप को डाल सके, यू नो इट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। और यही आप प्रेरितों के काम में देखेंगे कि जब ये चेले ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, फिर किस प्रकार से ये प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं। बट अभी आप देख रहे हैं इनमें जेलसी है, इनके अंदर प्राइड है, इनके अंदर है कि हम में से कौन बड़ा बन सकता है, आपस में थोड़ी रिफ्ट है। बट यू विल सी धीरे धीरे जब परमेश्वर इनको बनाते हैं तो किस तरह की टीम खड़ी होती है। इट मींस वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे हमने उस पर्वत पर देखा यीशु का रूप जो है बदल गया था, वो एक सेकंड में हुआ था, और यहाँ पे धीरे धीरे से उनका रूप यीशु के जो सिखाई है उसके द्वारा बदल रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आगे भी देखते हैं, जब यीशु वो शमारिया के उस विलेज से जाने वाला था, उनको मैसेज भेजा कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया, तो उनके शिष्यों को गुस्सा आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं जो एक आदमी यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल कर रहा था, उसकी वजह से शिष्यों को गुस्सा आया, और यहाँ एक अलग कारण की वजह से गुस्सा आ गया। तो इससे हम क्या सीखे? फिर अगेन अगर आप इसमें देखें, यू नो समारिया के जो लोग थे और यहूदी जो थे, उनके आपस के बीच में तनाव रहता था हमेशा हाँ। क्योंकि समारिया के लोग जो थे, वो जब किंग राजा असीरिया राजा असीरिया के राजा ने जब इन्वेजन किया, तो उस समय जूडा के अंदर मिक्स रेस हुई, जिसको समारिटन्स बोलते हैं, और यहूदी और समारिटन्स के बीच में हमेशा ही टेंशन रही। तो प्रभु यीशु ने बोला, ओके उन्हें बताओ कि आज तो हम समारिया के बीच में से जाएंगे। उन्होंने बोला, नहीं भैया यहाँ से नहीं आना, गेट बंद है, आप अपना दूसरा रास्ता लेके जाइए। अब चेले जो हैं, आप देखिए अगेन चेले क्या बोलते हैं, प्रभु इन्होंने आपको मना किया, यू नो आपने इतने काम किए हैं, यू नो तूफान बंद कर दिया आपने, यू नो अभी ये दुष्ट आत्मा को हटा दिया, यू नो पुराने नियम के अंदर तो सल्फर रेन भी हुई थी और सोडम और गोमरा को भी
बर्बाद कर दिया गया था, ये समारिया के लोगों को भी हमें सबक सिखाना है कि आपको कैसे मना कर सकते हैं। सी अंडरस्टैंड के इस पूरे आयतों में जो डिसाइपल्स हैं वो फिजिकल रेलम में कार्य कर रहे हैं जी, और प्रभु यीशु जो है वो आत्मिक रेलम में कार्य कर रहे हैं जी जी। तो डिसाइपल्स अभी तक चेले जो हैं वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि वो समझ पाएं कि प्रभु यीशु कौन है और किस प्रकार के राज्य को स्थापित करना है और उस राज्य को स्थापित करने में उनका क्या योगदान रहेगा। अभी तक वो एक राजनीति के हिसाब के राज्य को समझ रहे हैं और तभी वो बोलते हैं कि ये कैसे बोल सकता है, आपके नाम को इस्तेमाल कर सकता है, अच्छा इसने आपको मना किया, इनको खत्म कर दो। तो उनका जो विचार है वो अभी फिजिकल रेलम के अंदर ऑपरेट कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं नवनीत जी की किस तरह से कुछ लोग यीशु के पीछे आना चाहते थे, लेकिन 57वें वचन में है, मार्ग में एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उनसे कहा, आप जहां कहीं जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन यीशु का जो उत्तर था उसके बारे में वो थोड़ा डिस्करेज करने वाला था। प्रभु का उत्तर डिस्करेज करने वाला इसलिए था क्योंकि प्रभु हमें ये चीज़ हमेशा मान के चलनी है कि मुंह पे आए शब्द और हृदय में क्या चल रहा है शायद एक आम आदमी नहीं जान पाता, लेकिन परमेश्वर तो जान पाता है कि मैं मुंह से क्या बोल रहा हूँ और मन में क्या है। जैसे पत्रस ने बोला मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन प्रभु को मालूम था यार ये तो अभी कुछ घंटे में ही मेरे को डिनाई करने वाला है या छोड़ने वाला है। सो मुंह में क्या है और हृदय में क्या है, दोनों में अंतर है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने बोला मैं सब छोड़ूंगा आपके पीछे चलूंगा, तो प्रभु यीशु बोलते हैं पहले लेट्स वर्क आउट द कॉस्ट। करेक्ट, कि मेरे पीछे चलना है तो उसके लिए क्या दाम चुकाना पड़ेगा। जी जी। और प्रभु यीशु बताते हैं कि क्या दाम है जो मेरे पीछे चलने पे आपको चुकाना पड़ेगा। अमूमन हम लोग जो है जब प्रभु की सेवाकाई के बारे में सोचते हैं हम हमेशा ये सोचते हैं कि प्रभु की सेवाकाई आसान है, लेकिन प्रभु की सेवाकाई में हमेशा दाम चुकाना पड़ता है। वो दाम जो है वो कई बार हमारा समय होता है, कई बार हमारे रिसोर्सेज होते हैं, कई बार हमारा मन नहीं भी है लेकिन फिर भी करना पड़ता है क्योंकि दाम चुकाना पड़ता है। तो और प्रभु यीशु जो है वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शब्द से मत बोल, पहले अपने हृदय को जांच कि क्या तू तैयार है वो दाम चुकाने के लिए कि तू मेरा चेला बनना चाहता है या मेरा एक फॉलोअर बनना चाहता है। उसके बाद भी हम और दो व्यक्तियों को देखते हैं जहां पे 59वें वचन में एक अन्य व्यक्ति से प्रभु यीशु ने कहा आओ मेरे पीछे हो लो। उस व्यक्ति ने कहा प्रभु मुझे पहले अपने पिता की अंत्येष्टि की अनुमति दे दीजिए। और फिर आगे भी हम 61वें वचन में देखते हैं एक अन्य व्यक्ति ने प्रभु यीशु से कहा प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा किंतु पहले मैं मेरे परिजनों से विदा ले लूं। तो यहाँ पे हम क्या सीखे? प्रभु यीशु ने दो लोगों को जब बातचीत की और दोनों ने कोई ना कोई उन्होंने मना नहीं किया चलने के लिए, बट उन्होंने बोला कि पहले मैं अपने पिता को विदाई दे दूं या पहले मैं अपने परिवार से जाकर विदाई ले लूं। हम कोई भी चीज़ बाइबल में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं ले सकते, पढ़ सकते। जी जी। अगर आज हम इन्हीं आयतों को सुबह उठा अभी आँख खुली है और एक उसने बाइबल खोली और ये आयत पढ़ी और प्रभु यीशु और वो ये पढ़ेगा इसके अंदर कि प्रभु यीशु ने बुलाया और उसने बोला कि पहले मैं ये करूँ जाके अपने पिता से अनुमति लूँ या अपने परिवार को जाके बताऊँ और प्रभु यीशु नाराज़ हो गए उसके ऊपर तो आज से मैं अपने परिवार को छोड़ दो। तो इट इज नॉट ए बैलेंस्ड अप्रोच। आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ा। प्रभु यीशु जो इसके अंदर बताना चाहते हैं वो अगर आप मत्ती के सुसमाचार उसके 6 अध्याय में पढ़े, इट सेज सीक हिज किंगडम एंड हिज राइटियसनेस, कि अपने जीवन में प्राथमिकता क्या है, आमेन, महत्वपूर्ण क्या है, प्रायोरिटी क्या है। वो ये नहीं बोलते कि परिवार प्रायोरिटी है ही नहीं, वो बोलते हैं कि प्रायोरिटी या प्राथमिकता अगर मेरा और मेरा राज्य है तो उसको प्राथमिकता दो। आमेन। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार को हटाई दो वहां से, परिवार दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, लेकिन कई लोग जो हैं बिल्कुल ही एक्सट्रीम के ऊपर चीज को
ले जाते हैं जब वो वचन को पढ़ते हैं, और एक स्ट्रीम ये है कि मैं पूरा टाइम परिवार में ही रहूं और मेरे को सिर्फ संडे के संडे रविवार को उठूं कि भाई आज तो कलीसिया का दिन है, मुझे कलीसिया में जाके बैठना है, सही समय पे पहुंचना है, और बाकी छः दिन वो तो पास्टर का काम है, मेरा काम थोड़ी है वहाँ पे। यानी कि यीशु मसीह हमें प्राथमिकताओं के बारे में बता रहे हैं और उसके साथ एक संतुलित जीवन जीने के लिए भी वो हमें बता रहे हैं। एब्सोल्युटली, वो एक बैलेंस बता रहे हैं कि हमारे जीवन में एक संतुलन होना बहुत आवश्यक है, और वो संतुलन में हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है और क्या प्राथमिकता देनी है वो, और अपने परिवार को क्या प्राथमिकता देनी है वो, ये संतुलन हमें अपने आप को अपने जीवन में लाना है। और प्रभु जो है वो कहता है मुझे मालूम है कि मेरे को मालूम है आपके अंदर क्या है या क्या नहीं है, तुम्हें मुझे मुझसे छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नवनीत जी, आपसे मैं विनती करता हूँ कि हम सबके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम एक तरह से संतुलित जीवन जी सके जहाँ पे प्राथमिकता हम परमेश्वर को दें। एब्सोल्युटली, लेट्स जस्ट बाव आवर हेड्स इन प्रेयर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। प्रभु आप अपने लोगों से बातचीत कीजिए परमेश्वर। प्रभु आप अपने वचन द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, आप हमें सिखाना चाहते हैं कि आपका राज्य और आप ही हमारी प्राथमिकता है प्रभु। और प्रभु हम चाहते हैं आप हमें ऐसा संतुलन दें प्रभु कि हम ना केवल अपने परिवार के लिए, ना केवल अपने व्यवसाय के लिए, बल्कि आपके राज्य और आपके लिए प्रभु इन तीनों चीज़ों के बीच में एक संतुलन बरकरार रखें प्रभु। और प्रभु हम अपने जीवन को और योगदान अपने जीवन द्वारा और योगदान कर सकें परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आप लोगों को सुरक्षित रखें, उनको आशीषित करें प्रभु, उनके मन में इच्छाएं जो प्रार्थनाएं हैं प्रभु जो आपके सिंहासन तक पहुंचती हैं आप उनको उत्तर दीजिए परमेश्वर। ये सब हम आपके नाम में मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमेन आमेन। धन्यवाद नवनीत जी, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और यीशु के जीवन में क्या हो रहा है मिलके देखेंगे। गॉड ब्लेस यू। एक नई बाइबल इजाब मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज ऐप डाउनलोड करें, प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुने। नई बाइबल इज ऐप, जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।